इंदौर की सेंट्रल जेल में कैदियों की दशा अब पहले से बेहतर कही जा सकती है। यहां के कैदी पहले से अलग अलग प्रकल्पों से जुड़े हैं। अब कुछ ही दिनों में यहां जैविक खाद से खेती के साथ सब्जी उगाने का काम भी किया जाएगा। जेल प्रशासन का कहना है कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये सेंट्रल जेल में जो शुरू किया है, इसमें असल में मुख्य भूमिका हमारे नगर निगम कमिश्नर श्री मनीष सिंह साहब की थी। उन्होंने जेल के अंदर से जो कचरा निकलता है, सब्जी है और बाकी सफाई व्यवस्था में जो कचरा निकलता है, उसको डिस्पोजल करने के लिए हमारे जेल कैंपस में ही एक पिट लगाई है और उसमें जो खाद बनेगा वो हमारे जेल में एक बगीचा भी है जहां सब्जियां वगैरह हम लोग उत्पादित करते हैं और वहां इसका उपयोग करेंगे हम लोग। तो ये अभी प्रक्रिया में हमारा चालू है और अभी जब बरसात का सीजन आएगा तब हम इसका उपयोग करेंगे। सेंट्रल जेल में कचरे से खाद बनाई जा रही है। यह कचरा जेल के अंदर से ही निकलता है। इस कचरे का निष्पादन लंबे समय से जेल परिसर में बने संयंत्र में किया जा रहा है। इंदौर नगर निगम की अगुवाई में शुरू हुए संयंत्र से बनी खाद का उपयोग जेल में सब्जी तैयार करने के अलावा बगीचे में भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।